दोस्तों, कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नगर के चामुंडा चौकी क्षेत्र में मामूली विवाद में दो पक्षों में विवाद हुआ। युवक का आरोप है कि उसे गोली मारी गई, जबकि पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल पर ना तो कोई खोखा मिला है, ना कोई ऐसा सबूत मिला है जिससे लगे कि वहाँ पर फायरिंग हुई है या उसके गोली लगी है। नहीं, ऐसा गोली लगने का कोई निशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील है जी। वकील, क्या मामला हुआ है आज जो आप यहाँ CSC मुरादनगर में आए हो? सर, अब से तीन दिन पहले जी हमारा भतीजन के खेतों में कोई निकल रहा है। किसके खेतों में? इनके परवेजर के, और वो जिसमें के बिक गए जी, डीलरों ने ले लिए हैं। अब ये सामान परचून कर लेने जा रहा है। अब जैसे जा रहा कहवा सुनी हुई तो ये जाने, मगर इसके माया से मारपीट करी, इसके कान का पर्दा फट गया। हमने इनके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी, तहरीर उन्होंने दी। ये दबंग लोग हैं, इनने पहले भी कई आदमियों के गोली मार रखी, एक जान से भी मार रखा। परवेज ने, परवेज कहाँ रहते हैं? ये पठानान मोहल्ला मुरादनगर में रहते हैं जी। जी, अब दबंग की वजह से हमने तहरीर नहीं दी, ये हम पे हावी हो रहे हैं। आज इनके प्रधान जी हैं असलम प्रधान जी, क्या देते हैं वो वाब चौधरी, उसके क्या नाम है, वो साहब मेंबर के बेटे। मैं उनसे शिकायत करने गया तो इनके दिमाग में ये आगे इनसे क्यों शिकायत कर रहा। आगे जाके इन्हें घेर घेर के पीटने लगे। प्रधान जी नहीं छुटाए बल्कि और लोगों ने छुटाए हैं। अब जैसे भी इसके पता नहीं गोली मारी या बट मारी, क्या मारा ये तो इसे पता है। इसके मार मूर के एक अपने हद्दा मार दिया। तो जिसके ये गोली मारी है, इसका क्या नाम है आपके भतीजे का? हाँ जी, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस लो तो हम गए ना, पुलिस लो जाते तो ये कार्रवाई होती। आज गए, पुलिस ने हमारे एक पैर पर खड़ी होगी। प्रशासन तैयार है, जो लोग यहीं हैं, और हम इस वजह से नहीं गए कि नो भी कह दिया। अगर पुलिस में तुमने कोई रिपोर्ट लिखवाई या तहरीर दी तो तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए हमने पुलिस से। ये जो जिसके आप बता रहे हो चोट लगी है, भतीजा आपका, क्या नाम है इसका? इसका चांद है जी एक तो। अच्छा। एक है शाहरुख है। अच्छा, उसके भी चोट आई है? हाँ जी, एक है समा परवीन, ये हमारे भैया की इकबाल की घरवाली है, वो MMG में रेफर कर दी है। उनके भी चोट है? उनके भी चोट है जी, उनके भी लात गुस्से हो रहे थे। अच्छा, ये काफी, ये बता रहा है आपका भतीजा कि 3 दिन से चामुंडा चौकी बार बार जा रहे थे और लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसे रोक दे है जाने की करिया कोशिश चौकी में, हम इसे रोक देवे है। मन की ये दबंग आदमी है, यहाँ रहने देने के मारपीट करेंगे, फायदा कुछ नहीं। और भी पहले विवाद है इनके कभी के? विवाद तो जब महल्ले में रहे, मैं क्या बस नहीं चलती रहे, इसीलिए हम इसके बारे में जानते हैं। हम अपने कोई डांट के बिठा दे भाई, क्या रहे समापन उसका ही।